हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एमएस वर्ड का पार्ट 4, जिसमें हम सीखेंगे बुलेट लिस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए गाइज, बुलेट्स होता क्या है। हमारे तीन टाइप्स के बुलेट्स होते हैं। एक बुलेट जिसमें हम सिम्बल्स यूज कर सकते हैं, आप सिम्बल एग्जाम्पल देख सकते हैं। नंबरिंग होता है हमारा, जैसे 1, 2, 3, ABC या कैपिटल स्मॉल दोनों दे सकते हैं। मल्टीवर्ड में आप एक से ज्यादा बुलेट्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल ही रखा है, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड। तो गाइस, जैसे मैंने ये ऑप्शंस डाल रखा है, अब इनके आगे नंबर डालना है कि नंबर 1, 2, 3, 4। तो हम सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर नंबरिंग यूज करना है तो ये ऑप्शन है नंबरिंग, आप यहाँ नंबरिंग में जाएंगे। आप यहाँ से देखिए कर्सर रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं नीचे। 1, 2 या ब्रैकेट के साथ यूज करना चाहते हैं, 4, 2, 3 यूज करना चाहते हैं, कैपिटल ABC, स्मॉल, जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस देखिए आपका अप्लाई हो चुका है। सपोज ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुलेट्स यूज करना है, तो आप यहां से सिंबल्स भी ले सकते हैं। आप यहां बुलेट ऑप्शन में जाएंगे, आप यहां से कोई भी सिंबल्स दे सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग में अप्लाई हो जाएगा। अगर सपोज इतने ही बुलेट्स हैं, अगर मुझे कोई डिफरेंट बुलेट्स देना है इनके अलावा, तो हम क्या करते हैं, इसी ऑप्शन में जाते हैं और सबसे नीचे देखिए आपका एक ऑप्शन आ रहा है डिफाइन न्यू बुलेट्स। आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहां से सिंबल्स पे जाएंगे। सिंबल में जाएंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हमारे शो हो रहे हैं। आपका नहीं आ रहा है तो यहां से आप फॉन्ट ले सकते हैं, वेबडिंग चूज कीजिएगा, उसमें बहुत सारे फॉन्ट आते हैं आपके। आप यहां से कोई भी ले सकते हैं। सपोज मैंने यहां से ओम सिंबल ले लिया, देन ओके करेंगे एंड ओके कर देंगे। देखिए हमारा ये बुलेट्स अप्लाई हो चुका है। ठीक है, मल्टी लेवल में क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे नेम देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेम्स लिखा। अब जैसे मैं नेम देना चाहती हूँ, जैसे यहां से मैंने मल्टी लेवल देखी, जैसे पहले आ रहा है 1, उसके नीचे आ रहा है A, उसके नीचे आ रहा है फर्स्ट। जैसे मैंने यहां ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे दीप सच डाल दिया। अब जैसे इसके अंदर हमारे कंटेंट बहुत सारे हैं, तो हमें दूसरा ऑप्शन यानी इसके सब कंटेंट्स बनाने हैं, तो हम यहां से टैब यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट के नीचे हमारा A आ गया, जैसे मैंने यहां पे डाल दिया फंडामेंटल। अगर मैं दूसरा यहां पे डालती हूं, अगर जैसे मैं दूसरा यहाँ पे फंडामेंटल के अंदर भी पॉइंट लेना चाहती हूँ, तो अगेन टैब यूज करेंगे आप। तो देखिए इसके अंदर एक और कंटेंट आ गया फर्स्ट। जैसे फंडामेंटल में मैंने डाल दिया व्हाट इज कंप्यूटर। अब जैसे सेकंड पॉइंट आ गया, यहां पे मैंने डाल दिया व्हाट इज रैम। अगर सपोज मैं इससे पीछे जाना चाहती हूँ, यानी मैं अब बी ऑप्शन पे जाना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहां पे आपको यूज करना है शिफ्ट के साथ टैब यूज कीजिएगा, तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन में आ जाएंगे। ये आपको सेकंड नंबर पे जाने हैं, तो अगेन शिफ्ट के साथ टैब यूज कीजिएगा। तो देखिए आप सेकंड नंबर पे आ गए। अब यहाँ पे जैसे मैंने राज लिख दिया, अब जैसे राज के फ्रेंड बहुत सारे हैं, मुझे ऑप्शन यूज करने हैं, तो यहां से टैब यूज किया मैंने, तो फिर अंदर आ गए हम। यहाँ पे मैंने ईशा लिख दिया, सपोज ईशा के भी फ्रेंड शो करने हैं, तो आप अगेन टैब यूज करेंगे। जैसे उषा दे दिया मैंने, राज दे दिया मैंने, दिव्या दे दिया मैंने। अगर फिर मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तो फिर आप शिफ्ट के साथ टैब यूज कीजिएगा, बी पे आ गए। अगर आप थर्ड नंबर पे जाना चाहते हैं, अगेन शिफ्ट एंड टैब यूज कीजिएगा, थर्ड पे आ गए। अब यहाँ पे मैं कुछ और लिख सकती हूँ। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप ये नहीं चाहते कि बुलेट्स अप्लाई हो, तो अगेन शिफ्ट टैब एंटर कर दीजिएगा, तो आपका जो बुलेट्स है वो हट जाएगा। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं हम अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट हमारे जो होते हैं चार होते हैं। जैसे सपोज ये अलाइनमेंट्स हमारे, जैसे ये हेडिंग हमारा कहा है लेफ्ट साइड में, अगर मैं चाहती हूँ पेज के सेंटर में आए, तो हम यहाँ से सेंटर यूज करेंगे तो पेज के बीच में आ जाता है। अगर मैं यहाँ राइट यूज करती हूँ तो राइट साइड में आ जाएगा। लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट यूज कर सकते हैं। अगर मैं इन्हीं का शॉर्टकट यूज करूंगी, तो आप सिलेक्ट कीजिएगा कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे, गाइज ई प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ आर यूज करेंगे तो राइट में आ जाएगा, और कंट्रोल एल यूज करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। और जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, जैसे सपोज मेरा ये पैराग्राफ है, जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। अब पैराग्राफ कैसे है हमारा गाइस, कि हमारा ये स्टार्टिंग से तो हमारा मार्जिन बराबर है, एंडिंग से नहीं है, तो हम इसको इक्वली करने के लिए हम यहां से जस्टिफाई यूज करते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं आप कंट्रोल प्लस जी। तो ये देखिए गाइस कि आपका जो मार्जिन है वो एडजस्ट हो चुका है और हमारा पैराग्राफ बिल्कुल इक्वल आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको बुलेट्स नंबरिंग कैसे यूज करना है, अलाइनमेंट कैसे यूज करना है। ओके गाइस, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें.